इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हाँ जी, बीच में मिक्स ही करवाना है। Equation of the parabola having focus at point 20 focus at point 2, 0 and has a straight line, has a straight line x plus 2 equal to 0 as direct. पैराबोला का फोकस इज ऑफ द फॉर्म राइट हैंडेड पैराबोला। हां तो राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा ये आपका। राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट a, a2 हो गया तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगी, a x y स्क्वायर इक्वल टू 2। इक्वेशन की भी फोकस आपका f ऑफ 2, 0 a, 0 वाली फॉर्म है। So y square equal to 4ax will be the equation of the parabola as it is a right-handed parabola. A ki value 2 hai, so y square is equal to kya aa jayega aapka 8x. Kya? Aa nahi sakti. So extra questions karwaye mein that you are to shifting the origin wale pe jo aap. चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स एट ओरिजिन एक्स इज अलोंग वाई एक्सिस, एक्स इज अलोंग वाई एक्सिस तो इट मींस या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2। 3, 2 आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो इट मींस दिस विल बी एन अपवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2। तो हां जी, एक्स इज अलोंग वाई, अब क्योंकि एक्स इज अलोंग वाई एक्सिस है तो इधर इट विल बी एन अपवर्ड पैराबोला और अ डाउनवर्ड पैराबोला, बट इट इज पासिंग थ्रू 3, 2 व्हिच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट इज अ क्योंकि आपको जो गिवन है वो वर्टेक्स ओरिजिन पे गिवन, तो इट मींस जो आपका पैराबोला होगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब यहाँ से क्योंकि ये 3, 2 से पास कर रहा है तो 3, 2 जो है वो इस पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू 3 और 2 पुट करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू वापस इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर 9 is equal to 4 times a into y, आपका 2 given है, 9 by 8 आ गया a, तो x square equal to 4 into 9 by a into y, so this is 9 by 2 y, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। चलो, इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। इक्वेशन में और वन एंड ऑफ डायमीटर हमें गिवन है 3, 2, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। फाइंड द वो कब लगती है, जब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं,
अभी आपके इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे गिवन थ्री कॉमा फोर इज द वन एंड ऑफ द डायमीटर. देखो मुझे क्या गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है और डायमीटर का वन एंड गिवन है, तो सेकंड एंड निकाल. यहाँ से मेरे पास रेडियस आ जाएगा 2.5 x x1 आप लगा. तो अब यहाँ से क्या आएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल 2.3. ये कंपेयर करोगे x2 + y2 + 2gx. मिडपॉइंट फॉर्मूला लगा दो, करो कंप्लीट. ये पॉइंट 3.4 भी बने, ये पॉइंट आ गया आपका 1.1 और ये हमने निकाला दैट इज द अल्फा कॉमन. तो अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 एंड बीटा प्लस अल्फा प्लस 2/3 रेडियस आ गया, तो हम उसका डिस्टेंस फॉर्म करना लगा दो. इस वाले डिस्टेंस फॉर्मूला में इक्वेट करो, दोनों डिस्टेंसेस इक्वेट करोगे ना, मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, नॉट द रेडियस. अंडर रूट 2 इक्वल टू इसके लिए हम क्या करते थे, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 13 - 11√2. तो वैसे उसकी बजाय अगर आप सेक्शन मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते बैठे तो सी भी बराबर था, तो फिर से तारीख का कहां हमें निकालना है बेटे, मुझे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना. ये डायमीटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल उसका मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला में मुझे मिड पॉइंट गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है. x1 y1 गिवन है, xy गिवन है, चलो इफ द लाइन कर दू ये रे, हाँ ठीक है, अल्फा वन एंड बीटा चले आगे बोले. ऑनलाइन स्टूडेंट्स जहां डाउट होगा अनम्यूट करके पूछ लेना. Write on the next statement. If the line y is equal to root p x plus k, line y is equal to root p x plus k touches the circle x square plus y square is equal to 16, then find the value of p. Line touches the circle x square plus y square. The radius 4 over center 0 0. Center 0 0. Okay. Radius is there 4. अभी ये कैसे आया? क्या देखे? Circle की equation x square plus y square equal to 4 square हो गई. तो x minus वैसे क्या standard form होती है? X minus x whole square plus y minus k whole square is equal to r square. अब यहाँ पे x माइनस कुछ नहीं है मतलब जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब जीरो, तो सेंटर आ गया जीरो जीरो. x कॉमा k सेंटर होता है, r रेडियस होता है.
तो 16 जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 4, तो रेडियस 4 आ गया। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, लाइन टचे इस पर सर्कल, आपको पता है वो लगाओ, पॉइंट क्या गिवन है, 0, 0, लाइन की इक्वेशन गिवन है, वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस के, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, रूट थ्री एक्स माइनस वाई प्लस की। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, नो हाँ जी क्या कह रहे हैं बेटे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गए क्यों, इधर से बाइक ले लो, कहाँ तो क्या होगा, हमारे पास एक्सपीरियंस लग रही है, ऐसे कैसे आ जाएं, सिंस लाइन टचेस द सर्कल therefore line is a tangent to the circle, line circle के साथ tangent है, it means ये angle आपका 90 degree बन गया, तो ये आपका perpendicular distance है OA is equal to 4, तो ये सारा यहाँ mention करने के बाद distance formula लगा देंगे हम, root 3 into 0 minus 0 plus k upon me a square plus b square, so 3 square plus 1 square minus 1 square is equal to 4. Mod लेके चलने हैं तो plus minus लेते हैं, mod हटाओगे plus minus, so this is k upon, हाँ जी k upon 2 is equal to 4, इस साइड आ जाओ आप, k is equal to प्लस माइनस ए, हाँ जी डेडलाइन क्या है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे पास एक लाइन गिवन है मुझे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस लाइन का एक्स वन कॉमा वाई वन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मॉड्यूलस लेना है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड एब्सोल्यूट है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया। अब डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट 0, 0 था, दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 4, तो उसको हमने इक्वल टू 4 क्लियर। अब हमें गिवन है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्सिस, ये हो गया नोट डाउन, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्सिस 5 बाय ए, इलिप्स गिवन है एक्सेंट्रिसिटी इज 5 बाय ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 10, डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 10, so find the lattice rectum of the ellipse, eccentricity of an ellipse is 5 by 8, distance between 5, 10 or lattice, haan ji lattice rectum 4 is nahi nahi ellipse given at b square upon it, आपको गिवन था डिस्टेंस बिटवीन इट्स को पाई इज दिस, C से रिप्रेजेंट करते हैं ना हम, वन माइनस
तो ये इसकी जगह आप ए ई भी लिख सकते हैं। ये आ गया 16 ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें ई की वैल्यू भी बनाना है ना, तो सी की जगह आप ए ई लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ए आ जाएगा कितना 16 ही एट आया, एट आया, ए एट आ गया। और लेटर बी हो ये दोनों फोकस जो है ये बताया तो है 5 या 2c या 2c, यहां से c = ae आ गया। मैम डेटा सेट का 94 हां जी बोलो हो गया आप लोग आपने किया ना बाकी नहीं मैंने तो आपका ए ई यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस c स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ वैल्यू किसकी आएगी आपके पास b की b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a कितना है हमारे पास 64 इनटू 1 माइनस c स्क्वायर तो b स्क्वायर कितना आ गया तो सीधा भी आ जाएगा हमारे पास क्या अरे मैंने ऐसे करवाया हुआ था ना आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर याद आ गया जिसको ये समझ आ गया वो ऐसे कर कोई बात नहीं जैसे अच्छा अगर ऐसे लेने हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द टू को फाइव हमें कितना गिवन है 10 तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 कहां फिर C10 है ना 2C10 C5 है। अब यहां से E is equal to क्या होता है C upon A तो E कितना गिवन है 5 by A C 5 by A तो यहां से A आ गया आपके पास A आ गया C है we can find out B इसमें put करके तो B square is equal to A square यानी कि 64 minus C square यानी कि 25 बी स्क्वायर आ गया आपका 39 ऐसे भी 39 था ऐसे भी 39 है जैसे मर्जी कर लो जैसे करना है। अब हमने क्या निकालना है लेटर वेक्टर दैट इज गिवन बाय 2 बी स्क्वायर अपॉन 8 तो 2 टाइम्स 39 अपॉन 8 तो दिस इज योर अब नेक्स्ट मुझे गिवन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1 डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या होगा कौन सा एलिप्स से पहले ये बताओ हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल A square 36 or A 6 B square 20 अब मुझे क्या निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस यानी कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है A upon E तो ट्वाइस ऑफ A upon E आपको निकालना है
एलिप्स की वही अभी बताइए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्यों ए बी गिवन है आई कैन फाइंड आउट सी ये करवाया था ना आपने पिछले वाले में हमने ये तो सी को इधर ले दी डी को उधर ले इलिप्स है ना इलिप्स की है ये वो भी इलिप्स का ये भी इलिप्स कंडीशन सेम ही है ना दोनों में डन कितना आया सी फोर आया ओके अब ये निकाल लो सी बाय ए वही तो सारा करके हटे यूसी वही हो गए इक्वेशन क्या थी हमारी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर x के नीचे वाला बड़ा है y के नीचे वाला छोटा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स अदरवाइज वर्टिकल सेम थिंग अभी हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन गया आपका फोकस सही इसकी गिवन है फोकस किससे रिप्रेजेंट करते हो आप इसका प्लस माइनस सी कॉमा सी वो वर्टेक्स होता है ये जीरो कॉमा बी अरे सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी बाय ए तो सी इज इक्वल टू ए जो मर्जी हो हाँ जैसी मर्जी कर लो वैल्यू तो वही रहेगी चाहे आप फोकस को ए ई कॉमा जीरो प्लस माइनस के साथ लो चाहे सी के साथ जब आप उनके दोनों का बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हो एक प्लस ए बाई ई है दूसरा माइनस ए बाई ई है तो दोनों ऐड हो समझे चले आगे अब नेक्स्ट ऑलमोस्ट सेम टाइप है हाइपरबोला का केस है Distance between the foci of hyperbola is 16 and eccentricity is root 2. Then obtain the equation of the hyperbola. Distance between foci of hyperbola is 16 and its eccentricity is root 2. Then find the equation of the hyperbola. बेटे ये देखो तुम ये एक फोकस ये है एक ही है दिस इज माइनस ए ई कॉमा जीरो दिस इज ए ई कॉमा जीरो ठीक है जो मर्जी चाहे एलिप्स बन रहा है चाहे आपका वो हाइपरबोला बन रहा है डिस्टेंस के लिए क्या करोगे एक्स टू माइनस एक्स वन तो ए ई में से जब आप ए ई माइनस करोगे ये वाला नेगेटिव का प्लस हो जाएंगे यानी कि अब आपको ट्वाइस ऑफ ए ई टू सी हमें 16 दी हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना तो वही ए बी सी निकालना पड़ेगा आपको
वो आपको देखना पड़ेगा ए बड़ा है कि या पे a square plus b square is equal to c square. मैं पता करता हूँ. b square minus one. इसकी eccentricity क्योंकि one से बड़ी. हाँ जी. हाँ जी. b भी 32 आ जाएगा और 4 root 2 आ जाएगा. x square hyperbola है minus. हाँ जी. अब इक्वेशन सेम है ना, कोई बात नहीं. वो आपका मैंने बताया था आपको कौन सा इक्विलेटरल हाइपरबोला. x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल टू 1. तो इक्वेशन ये आ गया. a स्क्वायर 32 b स्क्वायर 32 आ रहा है. यस सी वाला सी ए वाला सी तो 8 आ रहे हैं. हाँ ठीक है, यानी कि ए ई की वैल्यू 8 आ रही है. अब एक्सेंट्रिसिटी आपको रूट 2 गिवन है, तो ए आ गया यहाँ से 4 रूट 2 आ गया ए. अब वो कंसेप्ट यूज करो, बी स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. सी है ए है बी निकाल लो. हम जैसे ये तो 32 आ गया. अगर a होता 64 तो हमें पता होता लगता कि y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जिसकी वैल्यू बड़ी है अकॉर्डिंगली वो आ. a अगर बड़ा है तो वो उसके नीचे x स्क्वायर. हाइपरबोला में भी कंजुगेट और ट्रांसवर्स लेके चलते हैं. सेम वे जो भी बड़ी वाली वैल्यू है, अगर आपका हॉरिजॉन्टल बन रहा है तो x स्क्वायर अपॉन बड़ी वाली वैल्यू, अगर बन रहा है वर्टिकल फॉर्म में तो y स्क्वायर अपॉन बढ़ेगा. हम लेकिन रिलेशन होता है कि a ऑलवेज ग्रेटर, लेकिन यहां पे a किस वाले में ये वाले है. हमें क्या गिवन है यहां पे, पता नहीं चलेगा कौन सी इक्वेशन है उसके लिए. कुछ ना कुछ साथ में कंडीशन गिवन है. यहां पे सेम ही था ना, तो सेम जैसे मर्जी करो. इक्विलेटरल कुछ नहीं. चलो आगे, ये हो गया कंप्लीट हो गया. आगे क्वेश्चन होमवर्क में ना, इसके आप टेबल्स जो है वो देख के आओगे. हाइपरबोला पैराबोला और सर्कल के जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं, जो टेबल बनवाया था मैंने बड़े वाली वैल्यू. हाँ ठीक है, ये वाला कर लेना. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क फॉर योर डाउट.